जी सर। नमस्कार दोस्तों, मैं बीरेन पटेल। आज का मेरा टॉपिक है मेज मक्का। जैसा कि इससे पहले कई क्रॉप हो चुकी हैं, आपका वीट हो गया, राइस हो गया और शुगर केन हो गया। आज के हमारा टॉपिक है मेज। इसके बारे में हमें आपको देखना है और जितने भी वीडियो आपको मिल चुके हैं उसको रिवीजन एक दो बार कर लो, जैसे कि आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाए। और जो बेसिक चीज़ें थी मैक्सिमम चीज़ें बता दी गई हैं, चलो इस पे चर्चा करते हैं। और सब बढ़िया, सारे लोग रेडी हो जाओ अपने अपने हाथ में पेन कॉपी लेके, ठीक है। जो चीज़ आपको स्लाइड में ना मिले उसको लिखते जाओ, जहाँ कन्फ्यूजन हो कहीं एक किनारे लिख लो, बाद में हम 10-15 मिनट का डाउट सेशन लेंगे, आप एक एक करके पूछते जाना। बीच में करोगे तो बताऊंगा नहीं, क्योंकि बताने में हमें डिस्टर्बेंस होता है, ठीक है। चलिए, जैसा कि मेज, मेज क्या है? खद्यानों की रानी है। जैसे खद्यानों का राजा क्या है? गेहूं है। उसे खद्यानों की रानी की बात अगर कहते हैं तो क्या है? मेज है। ऐसा क्यों हुआ कि इसको मेज की रानी का, खद्यानों की रानी कहा जाती है, क्वीन ऑफ सीरियल कहा जाता है? ऐसा क्या है? जैसे इसमें यील्ड देने की, मतलब हाई यील्डिंग, हाई यील्ड पोटेंशियल इसके अंदर होती है, मतलब उत्पादन देने की क्षमता इसके अंतर्गत होती, अधिक होती है। उत्पादन कौन देता? फीमेल देता, मेल देता है भाई? फीमेल देता है, एक होता मेल एक होता फीमेल, तो उत्पादन कौन देता है? फीमेल ही देती है, देती है कि नहीं? तो इसमें अधिक क्षमता होती है उत्पादन देने की, इसी वजह से फीमेल का मतलब क्वीन, बात समझ गए कि नहीं? रानी। तो इसको सीरियल का क्वीन कहा जाता है, सीरियल की क्वीन कही जाती है या खद्यानों का रानी कही जाती है, इतना आप समझ गए होंगे। इसको क्वीन ऑफ सीरियल कहा जाता है, ठीक है। और इसका एक कॉमन नेम है क्या? ड्रोसोफिला। सीरियल मतलब क्रॉप का ड्रोसोफिला कहलाता है। क्या? ड्रोसोफिला। तो आप लिख सकते हैं, पूछा जाता है ड्रोसोफिला किस क्रॉप को कहा जाता है, किस क्रॉप को कहा जाता है? मेज को कहा जाता है, मक्का को कहा जाता है। क्वीन ऑफ सीरियल किसको कहा जाता है? मेज को कहा जाता है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। अब एक एक टॉपिक हम आपको डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, वैज्ञानिक नाम क्या है? जिया मेज। क्या है? जिया मेज। वैसे जिया स्पीसीज भी आपको, क्योंकि इसकी कई स्पीसीज होती हैं, ठीक है। तो जिया मेज इसका क्या है, बोटेनिकल नेम है। इसके कई स्पीसीज होते हैं, अभी मैं डिस्कस करूंगा। कहीं फ्लिंट कॉर्न, कहीं डेंट कॉर्न, कहीं पॉपकॉर्न, स्वेट कॉर्न, ठीक है, पॉड कॉर्न, वैक्स कॉर्न, कई होते हैं, अभी एक एक करके मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो जिया मेज इसका बोटेनिकल नेम है। और ग्रैमनी, जितनी भी खाद्यान्न वाली फसल होती है सबकी फैमिली क्या होती है? ग्रैमनी होती है, पोएसी होती है, ग्रास फैमिली होती है, ठीक है। ट्यूएन की बात आती है, बीस होता है। क्या होता है? बीस होता है। अभी तक मैं तीन क्रॉप आपको बताया हूँ, पहला गेहूँ उसका क्या होता है? 42। दूसरा राइस उसका क्या होता है? 24। गन्ने का कितना होता है? 80, ठीक है। चौथा आपका मक्का, मक्के का कितना होता है? 20 होता है। चलिए, मक्का विश्व की प्रमुख खाद्य फसल है, ठीक है। अधिक उपज देने की क्षमता होती है, विविध उपयोग के कारण इसे धान्य फसलों की रानी कही जाती है। अधिक उत्पादन की क्षमता होती है, क्या होती है? अधिक उत्पादन की क्षमता होती है इसके अंदर, इसी वजह से इसको रानी कहा जाता है। ये सब चीजें मैं आपको बताया ही था, एक एक करके हमें आपको डिस्कस करना है, ठीक है। चलिए ठीक, आगे देखते हैं, बंद कर, ठीक है। एक एक करके डिस्कस कर लिया जाता है। और इसके बारे में कुछ कुछ चीजें होती हैं, जैसे स्टार्ट करने से पहले मक्का की ओरिजिन कहां से उत्पत्ति हुई, मक्का की अगर पूछी जाए ओरिजिन कहां से हुई, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई, तो एक फॉडर क्राप ही है वो, मेज की स्पीसीज है, ठीक है, तो उसी से हुई। उसका क्या नाम है? टियोसिंटे। क्या है? टियोसिंटे। टियोसिंटे एक क्राप होती है जो हमारी फॉडर क्राप है, चारा वाली फसल है। इसी से मक्के की उत्पत्ति हुई, कहां से हुई? इसी से हुई, टियोसिंटेट से हुई, लिख लेना है इसका। इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? लिख लो, यूक्लाइना मैक्सिकाना। इसका क्या है साइंटिफिक नेम? है टियोसिंटेट का। इसी से हमारी मेज की उत्पत्ति हुई थी। क्या हुई थी? मेज की उत्पत्ति हुई थी। और इसको नॉन टिलर प्लांट भी बोलते हैं। नॉन टिलर प्लांट मतलब क्या होता है? इसमें टिलरिंग नहीं होती है, अगर एक बीज आप बोते हो तो एक ही प्लांट निकलता है, ठीक है। और आपका गेहूं हुआ, उसको इसमें एक बीज बोते हो तो बाद में कई इसमें से टिलर निकल जाते हैं, निकलते हैं कि नहीं? मैंने आपको बताया ही था,
इसी वजह से मक्का को क्या कहते हैं, नॉन टिलर प्लांट कहते हैं। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, नॉन टिलर प्लांट क्या है, तो आप क्या कहोगे, मक्का। इसमें टिलरिंग की समस्या, टिलरिंग नहीं होता है, आपको ये चीज ध्यान देना है। स्मार्ट राहुल, ये कुंदा पीडीएफ लंच हो चुकी है मंडे से सबको, भाई साहब चलिए ठीक है, आप लोग इस पे ध्यान दीजिए, ठीक है। और काफी चीजें ऐसी हैं कि आप लोग एसएमएस पे ना ध्यान दो यार, टॉपिक पे ध्यान दोगे तो इसी से आपका कंपटीशन निकलेगा, इसी से आपकी सब कुछ होगा, ठीक है। पढ़ लो, उसके बाद जो कमेंट करना हो आप करिएगा, अभी 15 मिनट के टाइम मैं आपको दूंगा, ठीक है। चलिए ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो आप इतना समझ गए कि मक्के को क्या कहते हैं, नॉन टिलर प्लांट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉन टिलर प्लांट भी कहते हैं। तो ये सब क्वेश्चन बनता है, इसमें टिलरिंग नहीं होती है, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं आगे, ठीक है। देखिए पोषक मान की बात आएगी, प्रोटीन, तो प्रोटीन कितना पाया जाता, 10% पाया जाता। कितना पाया जाता, 10%। कौन सी प्रोटीन पाई जाती, जीन प्रोटीन पाई जाती। कौन सी, जीन प्रोटीन पाई जाती है। तो कौन सी प्रोटीन पाई जाती, जीन प्रोटीन पाई जाती। पूछा जाता मक्के में कौन सा प्रोटीन पाया जाता, जीन प्रोटीन पाया जाता। कितना परसेंट पाया जाता, 10%। कार्बोहाइड्रेट की बात आएगी तो 70-80% तक पाया जाता है। किस सीरियल क्रॉप में सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो मक्के में पाया जाता है, ये क्वेश्चन पाया जाता है। इसमें आयल कितना पाया जाएगा, 4%, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। फाइबर रेशा कितना पाया जाता, 2.3%। राख कितना पाया जाता है, 1.4%। एल्बुनॉइड कितना पाया जाता, 10.4%। और मक्के के भ्रूण में, एम्ब्रियो में आयल का प्रतिशत कितना होता है, 30-40%, ये भी क्वेश्चन यहां बनता है। क्या कि इसके भ्रूण में, इसके इम्ब्रियो में कितना तेल का प्रतिशत पाया जाता है, 30-40%। तो कहने का मतलब यहां दो चीज आपको, तीन चीज याद रखने की जरूरत है, आयल परसेंटेज 4%, प्रोटीन 10%। कौन सी प्रोटीन पाई जाती, जीन प्रोटीन पाई जाती है। सीरियल में सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट किसमें पाई जाती है, तो मक्के में पाई जाती है, ठीक है। चलिए देखिए, जो जीन प्रोटीन आपकी पाई जा रही है, ठीक है, जीन प्रोटीन जो पाई जा रही, जैसे गेहूं में भी पाई जाती है, आपके धान में भी पाई गई, वैसे यहां भी पाई जाती है। कौन सी प्रोटीन, जीन प्रोटीन। प्रोटीन किससे बनी होती, एमिनो एसिड। एमिनो एसिड किसका बना होता, नाइट्रोजन ही, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। तो आपको जीन किससे बना, ये प्रोटीन है। प्रोटीन किससे बना, एमिनो एसिड से। तो एमिनो एसिड कई होते हैं, तो जितने भी सीरियल क्रॉप होती हैं, खाद्यान्न वाली फसल जितनी भी होती हैं, ये सब लिख लो, जितनी भी खाद्यान्न वाली फसल होती हैं, उसमें लाइसिन या ट्रिप्टोफिन की कमी पाई जाती है। ये दो एमिनो एसिड हैं, लाइसिन या ट्रिप्टोफिन, ये दोनों की कमी पाई जाती है। क्या पाई जाती है, कमी पाई जाती है। वैसे लेग्यूम वाली फसल की बात करेंगे, किसकी, लेग्यूम वाली फसल की बात करेंगे, उसमें मेथियोनिन की कमी पाई जाती है। किस एमिनो एसिड की कमी पाई जाती है, मेथियोनिन। पूछा जाता है सब क्वेश्चन कि कौन सा एमिनो एसिड है जो सीरियल में, खाद्यान्न वाली फसल में कमी पाई जाती है, तो लाइसिन हो गया। वैसे अगर बात आएगी दलहनी फसलों में किस एमिनो एसिड की कमी पाई जाती है, तो क्या कहोगे, मेथियोनिन। क्या कहोगे, मेथियोनिन कहें, ठीक है। चलिए ये सब चीजें आप समझ गए होंगे। देखिए मक्के में जीन प्रोटीन पाई जाती है, जिससे ट्रिप्टोफेन तथा लाइसिन नामक दो आवश्यक एमिनो एसिड की कमी पाई जाती है। ये सब चीजें हो गई। चलिए अभी और आपको देखते हैं एक एक करके। देखिए उद्भव एवं विवरण की बात करेंगे, अगर मक्के की ओरिजिन की बात करेंगे तो देश की बात आती है तो मैक्सिको होगा, कहीं कहीं आपको अमेरिका भी मिलता है, ठीक है, सेंट्रल अमेरिका जिसको कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंट्रल अमेरिका, मैक्सिको। अगर दोनों ऑप्शन में मिल जाए तो किस पे टिक करोगे, मैक्सिको पे करोगे। किस पे करोगे, मैक्सिको पे करोगे। विश्व में सबसे ज्यादा खेती और उत्पादन कहां होता है, किस देश में होता है, अमेरिका में होता है। किस में होता है, अमेरिका में। अगर प्रोडक्टिविटी की बात करेंगे, उत्पादकता की बात करेंगे, किस में सबसे ज्यादा होता है, इटली में होता है। कहां होता है, इटली में होता है। तो ये भी लिख लो। देखिए मैं ये सब चीजें बता दिया हूं, उत्पादन और उत्पादकता में अंतर क्या है। कुल उत्पादन क्या होगा, उत्पादन होगा। पर हेक्टेयर उत्पादन क्या होगा, आपका उत्पादकता। कहने का मतलब पर हेक्टेयर उत्पादन क्या होगा, उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी। और टोटल प्रोडक्शन क्या होगा, उसका प्रोडक्शन होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इतना आप समझ गए होंगे, ठीक है। और अब अगर भारत की बात करेंगे, इतना याद रखना, विश्व में सबसे ज्यादा खेती कहां होती है, अमेरिका में होती है। विश्व में सबसे ज्यादा उत्पादन कहां होता, अमेरिका में होता। इसी वजह से अगर पूछा, जैसे अपने यहां धान की खेती सबसे ज्यादा होती है,
उत्पादन भी धान का होता, विश्व में सबसे ज्यादा गेहूं की खेती होती है, तो ऐसे हमारे यहाँ धान्य फसल कौन सी है? धान है। विश्व की धान्य फसल कौन सी है? गेहूं है। ऐसे अमेरिका की बात आएगी तो अमेरिका की धान्य फसल कौन सी है? तो आप क्या कहोगे? मक्का है। क्या कहोगे? मक्का है। क्या कहोगे? मक्का है। बात समझ गए कि नहीं? अमेरिका की धान्य फसल कौन सी है? मक्का है। उसको अमेरिका की बैकबोन भी कही जाती, रीढ़ की हड्डी भी कही जाती। अगर पूछा जाता है कि अमेरिका के किस फसल को उसकी रीढ़ की हड्डी कही जाती, बैकबोन कही जाती, तो मक्का की ही कही जाती, क्योंकि वहां पे मक्के की खेती सबसे ज्यादा होती है। समझ गए मेरी बात? चलो ठीक, आगे देखते हैं। ये तो हो गए विश्व की बात। अब देखिए इंडिया की बात कर लो। इंडिया में सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? खेती सबसे ज्यादा कहाँ होती है? कर्नाटक में होता है। उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होती है? आंध्र प्रदेश में होता है। उत्पादकता कहाँ पे सबसे ज्यादा होती है? आंध्र प्रदेश में होता है। आंध्र प्रदेश मतलब समझते हो एपी। तो अगर पूछा जाए कल्टीवेटेड एरिया, ठीक है, किसकी सबसे ज्यादा है? तो कर्नाटका की। टोटल प्रोडक्शन किसका है? एपी का। और उत्पादकता किसकी है? वो भी एपी का। ये सब चीजें आप थोड़ा ध्यान देना, और इसमें कुछ बताने लायक नहीं है, एक एक चीजें जो बताने लायक होगी मैं जरूर बताऊंगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए वानस्पतिक विवरण की बात आती है। क्या आती है? वानस्पतिक विवरण। तो मक्का क्या है? C4 प्लांट है, ठीक है। मैंने आपको बताया था गेहूं जब पढ़ाया था तो C3 C4 क्या होते हैं? जहां पे चार कार्बन बने वहां C4 साइकिल होगी, जहां पे तीन कार्बन बनते वहां C3 साइकिल होती है। वहां पे C3 साइकिल का पहला प्रोडक्ट क्या होता है? PGA होता है। C4 साइकिल का पहला प्रोडक्ट क्या होता है? OAA, ठीक है, OAA, PGA, PGA, ठीक है, फास्फोग्लिसरीन एसिड इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ऑक्जेलिक एसिडिक एसिड बोलते हैं। क्या? ऑक्जेलिक एसिडिक एसिड। पूछा जाता है C4 साइकिल में पहला प्रोडक्ट कौन सा बनता है? तो OAA। C3 साइकिल में पहला प्रोडक्ट क्या बनता है? PGA। ये सब चीजें वहां पर मैं बता दिया था, दोबारा नहीं रिपीट करूंगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो और याद रखना, कल गन्ने की खेती की बात की है तो वो भी क्या होता है? C4 ही होता है। तो आप अपने दिमाग में थोड़ी ऐसे कर लो, जिसकी पत्तियां लंबी होती बड़ी होती है खूब, वो C4 प्लांट होते हैं। जैसे ज्वार हुआ, बाजरा हुआ, गन्ना हुआ, मक्का हुआ, ये सब क्या होते हैं? C4 होते हैं, ठीक है। चलिए और देखिए ये क्या होता है। पोट्रेंड्री लिखा है, मोनोईसियस लिखा है, क्रॉस पोलिनेशन लिखा, शॉर्ट डे प्लांट लिखा है। एक एक चीजें देख लो क्या होता है। पोट्रेंड्री, ठीक है, और एक होता है मोनोईसियस। मोनो मतलब एक, ईसियस मतलब प्लांट। अगर एक ही प्लांट पे दोनों फ्लावर पाए जा रहे हैं लेकिन अलग अलग, बात समझे कि नहीं? एक ही प्लांट पर अलग अलग दोनों फ्लावर पाए जा रहे हैं, ऐसे प्लांट क्या कहलाते हैं? मोनोईसियस कहलाते हैं। बात समझे कि नहीं? सेम प्लांट पर सेपरेट फ्लावर हो, बात समझे कि नहीं? अलग अलग हो। एक ही प्लांट पे दोनों फ्लावर अगर पाए जाते हैं अलग अलग, वो प्लांट क्या कहलाते हैं? मोनोईसियस कहलाते हैं। बात समझ में आ गई होगी? चलिए ठीक है, इतना आप समझ गए। अब देखिए, अब मक्का का पौधा होता है ना, इसमें क्या होता है? ये मक्का का पौधा है, ये क्या है? मक्का का पौधा है, ठीक है, ये मक्का का पौधा होता है। इसके ऊपरी भाग में देखो यहां पे टेसल लगे होते हैं ना, जिसको जीरा बोलते हो, जहां पे भुट्टा लगता है बीच में लगता है वहां पे क्या होते हैं? सिल्क होते हैं। क्या होते हैं? सिल्क होते हैं। सिल्क वाले भाग को क्या कहते हैं? फीमेल फ्लावर। और टेसल वाले को क्या कहते हैं? मेल कहते हैं। कहते हैं कि नहीं? तो एक ही प्लांट पे दोनों अलग अलग हैं कि नहीं? इसी कंडीशन को क्या कहते हैं? मोनोईसियस, ठीक है, इसी कंडीशन को क्या कहते हैं? मोनोईसियस। एक आता है डायोईसियस। क्या होता है डायोईसियस? मतलब डाई मतलब दो, मतलब दोनों दो प्लांट पे पाए जाएंगे अलग अलग प्लांट पे, मतलब मेल अलग प्लांट पे पाया जाएगा, फीमेल अलग प्लांट पे पाया जाएगा, एक साथ नहीं पाए जाएंगे, एक प्लांट पे नहीं पाए जाएंगे। अगर दोनों फ्लावर अलग अलग प्लांट पे पाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं? डाईसियस कहते हैं। अगर दोनों फ्लावर एक ही प्लांट पे अलग अलग पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? मोनोईसियस कहलाते हैं। अब देख लीजिए, मक्का का पौधा जब वृद्धि करता है ग्रोथ करता है, तो सबसे ऊपर देखिए टेसल निकलता है कि नहीं?
तो कहने का मतलब मेज में अगर बात आएगी कौन सा फ्लावर सबसे पहले निकलता है, मेल की फीमेल, तो कौन सा निकलता है, मेल निकलता है, निकलता है कि नहीं? जब मेल सबसे पहले निकल रहा है तो यही सबसे पहले मैच्योर भी होगा, होगा कि नहीं? इसी कंडीशन को क्या कहते हैं, पोट्रेंड्री कहते हैं। जिसमें जिस पौधे में मेल फ्लावर पहले निकले या पहले मैच्योर हो या पहले परिपक्व हो, ठीक है, वो प्लांट क्या कहलाते हैं या वो कंडीशन क्या कहलाती है, पोट्रेंड्री या पोट्रेंड्रस, ठीक है। जिसमें फीमेल पहले निकले या पहले फीमेल मैच्योर हो उसको क्या कहलाएगी, प्रोटोगाइनी। क्या कहलाती है, प्रोटोगाइनी। ये कंडीशन कहां पाई जाती, बाजरे उजरे में पाई जाती है, ठीक है। और पूछा जाता है पोट्रेंड्री कंडीशन किसमें पाई जाती है, किसमें पाई जाती है, मेज में पाई जाती है। ये सब चीजें आप समझ गए होंगे, ठीक है। डायोसियस का एग्जांपल अगर जानना चाहते हो, सबसे अच्छा एग्जांपल पपीता है, ठीक है, क्या है, पपीता है। चलिए क्रॉस पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन समझते हो कि मेल गैमिट और फीमेल गैमिट अलग अलग होते हैं, तो जब अलग अलग होंगे तो बाहर से परागण होगा, जब बाहर से परागण होगा तो पर परागण हुआ। अब बाहर से परागण होगा ही क्योंकि यहां पे मेल पहले मैच्योर हो जा रहा है, फीमेल बाद में हो रही है, तो भाई मेल तो तैयार है पोलिनेशन करने के लिए, लेकिन फीमेल तैयार ही नहीं है। तो इसका मतलब जब ये तैयार होगा किसी दूसरे मेल से ये परागण करेगी, करेगी कि नहीं? तो इस कंडीशन, जब ऐसी कंडीशन बन रही है उस कंडीशन को क्या कहेंगे, क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप कहेंगे। आप बात समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें होती हैं जहां पे मोनोइसियस डायोइसियस, ठीक है, जहां पे मोनोइसियस डायोइसियस कंडीशन पाई जाएगी वहां पे क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है। बात समझ गए कि नहीं? चलिए शॉर्ट डे प्लांट आप समझते हो, समझते हो ना, मैंने आपको बताया था खरीफ सीजन की क्या होती है, शॉर्ट डे होती है, रबी सीजन की क्या होती है, लॉन्ग डे होती है, और आपका क्या नाम, जायद, ठीक है, उसमें दो ही आपके होते हैं, एक होता है क्या, सूरजमुखी, दूसरा होता है आपका कॉटन डेन्यूट्र। तो मुख्यतः आपका मक्का किस सीजन की फसल है, खरीफ सीजन की फसल है, ये भी आपके आ गए होंगे समझ में। रबी सीजन में कहाँ पे की जाती है, बिहार में की जाती है रबी। देखिए मक्का की खेती तीनों सीजन में करते हैं, रबी में भी, जायद में भी और खरीफ में भी, लेकिन मुख्यतः किस में करते हैं, खरीफ में करते हैं, ठीक है। और जायद जो करते हैं मोस्टली वो भुट्टे के लिए करते हैं या चारा परपज के लिए करते हैं, और रबी सीजन में बस बिहार साइड में करते हैं, ठीक है। ये सब चीजें हो गई, इतना आप समझ में आ गई होगी। फिर बात आती है, जैसे वानस्पतिक विवरण की बात चल रही थी, तो इसके भी स्टेम होते हैं, इसके भी रूट होते हैं कि नहीं, इसके भी लीफ होते हैं, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं एक एक। चलिए ठीक, उस पर चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। देखिए मक्का का पौधा लंबा साखी होता है जिसकी लंबाई लगभग 3 मीटर तक होती है। देखिए जड़, जड़ की बात अगर आएगी, तने की बात आएगी, पत्ते की बात आती, तीनों आती है ना। चलिए एक एक करके देख लेते हैं। तो जो ये मक्का होती है, मक्का का जड़ देखिए, जैसे आप ये सॉइल है आपका, यहां सीड सोइंग कर दिए कि नहीं, रेडिकल से क्या निकलती है, रेडिकल से रूट निकलती है, पता ही होगा आपको, जिसको मूलांकुर बोलते हैं हिंदी में, मूलांकुर बोलते हैं, और उसको पुलांकुर बोलते हैं जहां से तना निकलती है, ठीक है। जो ये रेडिकल जड़े निकल रही है इसी को क्या कहते हैं, सेमिनल रूट कहते हैं। क्या कहते हैं, सेमिनल रूट कहते हैं। बात समझे कि नहीं? सेमिनल रूट कहां से निकलती है, आपके रेडिकल से निकलती है, मूलांकुर से निकलती है, ठीक है। और जो ये प्लांकुर आपका है, प्लांकुर ये वृद्ध करेगा, तो जानते हो तने का निर्माण किससे होता है, नोड और इंटर नोड से, किससे होता है, नोड और इंटर नोड से होता है। बात समझ गए कि नहीं, नोड और इंटर नोड से। तो यहां पे एक नोड बनेगा सबसे निचले भाग पर, जैसे कल मैं गन्ना में बताया था, सबसे निचली नोड को क्या कहते हैं, बेसल नोड कहते हैं। क्या कहते हैं, बेसल नोड कहते हैं। तो ये जो बेसल नोड से रूट डेवलप होती है उसको क्या कहलाते हैं, क्राउन रूट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, क्राउन रूट कहलाते हैं। जैसे मैं गेहूं में कल बताया था क्राउन रूट कहां से निकलता है, ठीक है, तो वही चीजें यहां पे भी है। जो बेसल नोड से जड़े डेवलप होती है, रूट डेवलप होती है, उसको क्या कहते हैं, क्राउन रूट कहते हैं। और जो रेडिकल से होती है उसको क्या कहते हैं, सेमिनल रूट कहते हैं। क्या कहते हैं, सेमिनल रूट कहते हैं।
ठीक है। अब आपका मक्का धीरे धीरे ऐसे वृद्ध करता जाएगा, जाएगा कि नहीं, यहां पर ऐसे गांठें बनती जाएंगी, जाएंगी कि नहीं, तो ये गांठें बन रही है और ये बेसल नोड के लगभग ऊपर भी गांठें पाई जाएंगी, क्योंकि भाई तना ऊपर ही जाएगा, तो लगभग 2 से 3 या 4 गांठें के, जो 3 से 4 गांठें फिर रूट डेवलप होती हैं। देखिए आप मक्के के पौधे में देखते हो हवे में ऐसे रूट लटके होते हैं, कुछ हवे में रहते हैं, कुछ जमीन पकड़ लेते हैं, तो लगभग वो 2 से 4 गांठे तक ऐसी कंडीशन बनती हैं। इस रूट को क्या कहते हैं, प्रॉप रूट कहते हैं, क्या प्रॉप रूट कहते हैं या एरियल रूट कहते हैं, बात समझ गए कि नहीं। तो मक्के में मुख्यतः 3 प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं, कौन कौन सी, सेमिनल रूट, क्राउन रूट और प्रॉप रूट। सेमिनल रूट कहां से डेवलप होती है, रेडिकल से। क्राउन रूट कहां से डेवलप होती है, सबसे निचली गांठ से, जिसको बेसल नोड कहते हैं। और प्रॉप रूट कहां से होती है, मतलब प्लांट के ऊपर वाले, लगभग जो नीचे से दूसरे से लेके चौथे गांठ से निकली होती है, ठीक है। 3 प्रकार की रूट पाई जाती है, बात समझे कि नहीं, इतना आप समझ गए होंगे। यहां से क्वेश्चन यही पूछता है। अब देखिए तने की बात करेंगे, तो तने को क्या कहते हैं, स्टॉक कहते हैं या कलम कहते हैं, या पूरे पौधे में लगभग 8 से 21 गांठें होती हैं। दाना बनने से पहले तनों में 8% की शर्करा पाई जाती है, इसी वजह से देखो हम आपके मक्के की फसल को चारे के रूप में प्रयोग करते हैं। कब काटते हैं उसके, जब लगभग 2 महीने के आसपास की अवस्था हो जाती है, उसी समय इसकी हार्वेस्टिंग करते हैं। उसमें वही सिल्किंग कंडीशन, सिल्किंग की कंडीशन डेवलप्ड होती है, उस समय हमारा हरा भरा मक्का होता है, तो उसमें शर्करा की मात्रा भी होती है। कभी कभी आप देखे होंगे जहां पे मक्के को काट के रखा जाता है, वहां पे चींटियां उटियां लगती हैं। क्यों लगती हैं, क्योंकि इसका मतलब वहां पे शर्करा की मात्रा है, बात समझ गए कि नहीं। तो 8% शर्करा भी पाई जाती है, ठीक है, ये सब चीजें हैं। अगर एवरेज की बात आएगी तो देखिए यहां पे लगभग 12 से 15 गांठे तो फिक्स है, 12 से 15, ठीक है, 8 से 21 रेशियो है, ठीक, 8 से 21 के बीच में गांठे पाई जाती हैं। पत्तियों की बात कर लो, लगभग 12 से 18 पत्तियां पाई जाती हैं। कितना पाई जाती हैं, 12 से 18 पत्तियां पाई जाती हैं। पत्तियां भी 2 प्रकार की इसमें होती हैं, पत्तियों के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है शीथ, एक होता है ब्लेड। ब्लेड क्या होता है, जो हवा में लटका होता है, शीथ क्या होता है, जो स्टेम से सटा हुआ होता है, इतना आप समझ गए होंगे। चलिए पुष्करम की बात कर लेते हैं, पुष्करम किसको कहते हैं भाई, किसी भी प्लांट के पुष्पी भाग को, समझे कि नहीं, पुष्पी भाग को या फ्लावरिंग पोर्शन को क्या कहते हैं, इनफ्लोरोसेंस कहते हैं। इसमें 2 प्रकार का होता है, कौन कौन सा, एक मेल वाला, एक फीमेल वाला। मेल वाले को क्या कहते हैं, टेसल कहते हैं, क्या कहते हैं, टेसल। फीमेल वाले को क्या कहते हैं, सिल्क कहते हैं, क्या कहते हैं, सिल्क कहते हैं। ये सब क्वेश्चन बनता है, इस पे आप अच्छे से इसको पढ़ लेना। पूछा जाता है कि मेल पार्ट को क्या कहते हैं और फीमेल पार्ट को क्या कहते हैं। जो हम इस जो मक्के में खाने वाला भाग होता है, क्या होता है, जिसको हम कॉब बोलते हैं, COB, कॉब। तो पूछा जाता है कॉब का डेवलपमेंट कहां से होता है, तो सिल्क से होता है। कहां से होता है, सिल्क से होता है, ठीक है, ये सब चीजें आप समझ गए होंगे। देखिए टाइप्स ऑफ फल की बात करेंगे, कैसा फल होता है, कैरियोप्सिस होता है। मैंने हमेशा डिस्कस किया है कि जो भी सीरियल क्रॉप है, जो भी ग्रैमनी कुल के होते हैं, उनके फल कैसे होते हैं, कैरियोप्सिस टाइप के होते हैं, ठीक है, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। चलिए स्पैडिक्स भी होता है क्या, मेरे तुम लोग यार मानोगे नहीं। चलो मक्के का वर्गीकरण कर लो, ठीक है, मक्के का वर्गीकरण। देखिए मक्के का वर्गीकरण जो क्लासिफिकेशन में इसका किया गया है, 2 बेस पे किया गया, एक कलर के बेस पे किया गया है, ठीक है। कलर के बेस पे कैसे किया गया, जैसे आप मक्का देखे हो, येलो भी होता है, रेड भी होता है, व्हाइट भी होता है, ब्लैक भी होता है, ऑरेंज भी होता है, होता है कि नहीं। ये सब चीजें क्या नाम, मक्के की क्या है, कलर के बेस पे उसका क्लासिफिकेशन किया गया। किस बेस पे क्लासिफिकेशन किया गया है, कलर के बेस पे किया गया था। चलिए ठीक है, ये तो आपका एक हो गया, दानों के रंगों के आधार पे मैंने बता दिया किस किस रंग के होते हैं, व्हाइट होते हैं, रेड होते हैं, येलोइश होते हैं, और ऑरेंज होते हैं, ब्लैक होते हैं, ठीक है।
अब देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि दूसरा वर्गीकरण या दूसरा क्लासिफिकेशन किस बेस पे किया गया था, उसके बोटेनिकल के बेस पे, वनस्पतिक गुण के आधार पर किया गया था। ठीक है, वनस्पतिक गुण के आधार पर किया गया था। इसको कितने भागों में बांटा गया था? 7 वर्गों में बांटा गया था। किसमें? 7। और बांटने वाले कौन थे? किप्स, लिख लो। ठीक है, मेज का वर्गीकरण कौन किया था? मेज का क्लासिफिकेशन किप्स नामक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने किया था 1959 में। ठीक है, लिख लिए ना, 1959 में किए थे। कौन किए थे? किप्स ने। बात समझे कि नहीं? चलो एक एक पढ़ लेते हैं। किप्स समझ गए? ठीक है, क्या किए थे? मेज का वर्गीकरण किए थे। किस बेस पे किए थे? बोटेनिकल करेक्टर के बेस पे किए गए थे। ठीक है, चलिए देखिए, पहले फ्लिंट कॉर्न, क्या बोलते हैं इसको? फ्लिंट कॉर्न। फ्लिंट कॉर्न को क्या कहते हैं? इंडियन कॉर्न भी कहते हैं। जो भारतीय मक्का है उसका क्या नाम है? फ्लिंट कॉर्न है उस। ठीक है, अब एक एक सबका आप बोटेनिकल नेम जरूर याद रखना, पूछा जाता है, कम से कम 4 से 5 इसको याद रखना। फ्लिंट कॉर्न हो गया, डेंट कॉर्न हो गया, आपका पॉप कॉर्न हो गया, स्वीट कॉर्न हो गया, ये चारों तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी और जो 3 बचेंगे बस उसका आप क्या याद रखना? बोटेनिकल नेम। तो जो भी फ्लिंट कॉर्न होगा उसका बोटेनिकल नेम क्या होगा? जियामेज इंडुराटा। क्या होगा? जियामेज इंडुराटा। क्या होगा? जियामेज इंडुराटा। इसकी खेती सबसे ज्यादा कहां होती है? भारत में होती है। इसके दाने कैसे होते हैं? कठोर होते हैं, स्टार्ची नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं? स्टार्ची नेचर के होते हैं। ये सब चीजें थोड़ा आपको ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए मक्का जो भी होता है आपको यही सब याद रखना है कि मक्का जो भारत में यूज करते हैं कौन सा? फ्लिंट कॉर्न। देखिए मक्के का सीड देख रहे हो, देख रहे हो ना, किस कलर का? येलो कलर का है। किस कलर का है? येलो कलर का होता है, या तो व्हाइट, जो इंडियन कॉर्न होती है या तो व्हाइट होगा या तो येलो होगा। बात समझ गए? इसका कलर अगर पूछा जाए या तो येलो होगा या तो व्हाइट होगा। जो ये येलो कलर होता है किसकी वजह से होता है? जिया जैंथिन की वजह से होता है। किसकी वजह से? जिया जैंथिन। तो लिख लो, जिया जैंथिन की वजह से मक्का क्या होता है? येलो होता है। क्या होता है? येलो होता है। इसको लिख लेना। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मक्के में पीले रंग का कारण, येलो कलर इन मेज, किसकी वजह से? जिया जैंथिन की वजह से। किसकी वजह से? जिया जैंथिन की वजह से। चलो आगे देखते हैं, डेंट कॉर्न। ठीक है, डेंट कॉर्न को क्या कहते हैं? अमेरिकन कॉर्न कहते हैं। अमेरिका में इसकी खेती लगभग 95% की जाती। कितनी की जाती है? 95% की जाती है। सबसे ज्यादा कहां की जाती है? अमेरिका में की जाती है। और अमेरिका में जितना मक्के की खेती होती है उसमें सबसे ज्यादा किसकी खेती होती है? डेंट कॉर्न की होती है। उसका बोटेनिकल नेम क्या है? जियामेज इंडेंटाटा। इंडेंटाटा, ठीक है, तो आप समझ लेना, इंडुराटा, इंडेंटाटा। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, और जो इसके सीड होते हैं डेंट कॉर्न के, जैसे आप कहते हो नहीं यार मेरे कार पर बड़े डेंट हो गए, डेंट का मतलब गड्ढे हो गए हैं, तो इसके दाने जो होते हैं डेंट कॉर्न के सूखने के बाद, जैसे इसका मक्के का दाना ऐसे होता है ना, ऐसे होता है कुछ, तो सूखने के बाद इसमें गड्ढे होते हैं। क्या हो जाते हैं? गड्ढे हो जाते हैं। क्या होते हैं? गड्ढे हो जाते हैं। इसी वजह से इसको डेंट कॉर्न कहा जाता है। इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है? डेंट कॉर्न कहा जाता है। इसकी खेती सबसे ज्यादा अमेरिका में होती है, और इसका आपका बोटेनिकल नेम याद रखना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता। ठीक है, चलिए और बात आती है स्वीट कॉर्न। स्वीट कॉर्न का क्या होता है भाई? स्वीट कॉर्न का बोटेनिकल नेम आएगी सेकेराटा। सेकेराटा, स से शक्कर, से सेकेराटा, ऐसे याद रखना, तो बोटेनिकल नेम भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, देखिए इसमें स्टार्च की अपेक्षा चीनी ज्यादा पाई जाती है। देखिए जो आपका स्टार्च होता है, स्टार्च, वैसे स्टार्च यहां ज्यादा पाई जाती है, तो इससे शुगर का प्रतिशत इसमें ज्यादा होता है, शुगर की मात्रा इसमें ज्यादा पाई जाती है। क्यों ज्यादा पाई जाती है? जैसे जो आपका स्वीट कॉर्न होता है ना, ए इमैच्योर, एक कैनिंग समझते हो क्या होता है? कैनिंग अभी बता रहे हैं। ठीक है, इमैच्योर अवस्था पर इसकी हम हार्वेस्टिंग करते हैं। इमैच्योर मतलब अपरिपक्वता, परिपक्व नहीं होता है, तभी हम इसकी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। जब हार्वेस्टिंग करोगे
और आपका कॉर्न पका नहीं रहेगा तो वो स्टार्ची नेचर का नहीं होगा, तो उसमें शुगर की प्रतिशत ज्यादा होगी, जब ज्यादा होगी तो मीठा लगेगा। तो इसी वजह से इसका प्रयोग हम किसके रूप में करते हैं, कैनिंग करते हैं, डिब्बाबंदी के रूप में ज्यादा करते हैं। पूछा जाता है मेज की कौन सी स्पीसीज है जिसको हम कैनिंग में सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं, तो स्वीट कॉर्न ही करते हैं। कौन सा करते हैं? स्वीट कॉर्न ही करते हैं, ठीक है। तो ये स्टार्ची नेचर का नहीं होता। कैसे होता है? थोड़ा इसमें शुगर की मात्रा अधिक होती है, इसके बीज अर्ध पारगम्य होते हैं, इसका प्रयोग डिब्बाबंदी में अधिक किया जाता है। चलिए अब पॉपकॉर्न देख लो, ठीक है। क्या पॉपकॉर्न जो हम आप जाते हैं मूवी देखने, देखो हाल में बैठ के चुस्की लेते हो ना एक एक का, वही है पॉपकॉर्न। जियामेज इवर्टा, इसका साइंटिफिक नेम याद रखना है, क्या? जियामेज इवर्टा। देखिए ये पॉपकॉर्न जो होता है ये आपके इंडियन कॉर्न जैसा कुछ होता है, लेकिन उससे थोड़ा छोटा होता है साइज में, ठीक है। क्या होता है साइज में? उससे छोटा होता है। अब आपके दिमाग में आता होगा एक खील, आप पढ़े हो ना कहीं कहीं खील पढ़ते हो, खील में कौन सा मक्का यूज किया जाता है, तो यही पॉपकॉर्न। खील खिलना, खसे खील खसे खिलना, कौन सा मक्का खिलता है? पॉपकॉर्न निकल खिलता है। कैसे खिलता है जरा चलिए देखा जाए। जैसे इसमें देखिए 100, इसको खिलने के लिए एक तापमान आप दोगे, वो तापमान क्या है? 170 डिग्री सेंटीग्रेड। 170 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान दोगे तो भाई जो सीड होगा उसमें कुछ ना कुछ मॉइस्चर तो प्रेजेंट ही होगा, रहता ही है भाई। स्टोरेज के टाइम पे भी 10-12% होता है। जो मॉइस्चर इसमें प्रेजेंट है, ठीक है, वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है? स्टीम में, भाप में कन्वर्ट हो जाती है, भाप में कन्वर्ट हो जाती है। देखो आपका कुकर होता है, अगर किसी कारणवश उसकी सीटी लॉक हो जाए, अंदर इतना भाप बन जाता है ना, वो विस्फोट कर जाता है कि नहीं, प्रेशर इतना बना देगा वो स्टीम वो भाप। तो वही चीज इसमें भी होता है, जो ये मॉइस्चर होती है किसमें कन्वर्ट हो जाती है? स्टीम भाप में कन्वर्ट हो जाती है। ये भाप क्या बनाता है? एक प्रेशर बनाता है, बाद में इसी यही विस्फोट करेगा, जब विस्फोट कर देगा तो खिल जाएगा। बात समझे कि नहीं? जैसे कुकर कभी फटते हुए कोई देखा हो तो उसके चिथड़े चिथड़े हो जाते हैं, ऐसे जब मक्का मतलब उसमें फूटता है, स्प्लिटिंग होती है ना, तो पूरा देखो एकदम छितरा जाता है, चारों तरफ सफेद सफेद दिखने लगता है, येलो वाला दिखता नहीं है। तो वही चीज होती है। कैसे होता है? उसका भाप जो उसका मॉइस्चर है किसमें बदल गया? भाप में। भाप एक प्रेशर उत्पन्न करता है, प्रेशर की वजह से उसमें विस्फोट होता है उसके अंदर, तो बाद में वो खिल जाता है। इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। इसके दाने नुकुले होते हैं, इसका बीज कोष कड़ा होता है, दाने भुने जाने पर खूब खिल जाते हैं। खिलने के लिए उपयुक्त तापमान कितना होता है? आपसे बस यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या पॉपकॉर्न की साइंटिफिक नेम और पॉपकॉर्न बनाने के लिए उपयुक्त तापमान, ठीक है। उपयुक्त तापमान भी बता दिए, कैसे होता है ये भी मैंने बता दिया, चलो ठीक है। सॉफ्ट कॉर्न देख लो, ये भी पूछा जाता है। जियामेज एमाइलेसिया, क्या? जियामेज एमाइलेसिया। देखिए मक्के के आटा का भी प्रयोग करते हो रोटी वोटी बनाने में, बहुत लोग शौकीन, उत्तर भारत जो हमारा नॉर्थ इंडियन है बहुत शौकीन है दूध और मक्के की रोटी खाने में, ठीक है। तो इसका प्रयोग मुख्यतः किस रूप में करते हैं? आटे के रूप में करते हैं। किसके रूप में करते हैं? आटे के रूप में करते हैं। एक होता है वैक्स कॉर्न, ठीक है, जिसको बोलते हैं जिया में सेकेर आटा। इसका खेती मुख्यतः कहाँ की जाती है? चीन में की जाती है। देखिए वैक्स वैक्सी नेचर होता है, वैक्सी मतलब ये थोड़ा लिबलिबा टाइप का होता है, चिपकाने उपकाने में, कॉस्मेटिक में इसका प्रयोग किया जाता है, गोद बनाने में किया जाता है, गोद वोद जानते हो ना, चिपचिपा जो होता है, तो इस सब की वजह से इसको क्या कहते हैं? वैक्स कॉर्न कहते हैं। इसकी खेती कहाँ पे की जाती है? चीन में की जाती है। कहाँ पे की जाती है? चीन में। चलो एक होता है पॉड कॉर्न, पॉड पीओडी, जियामेज ट्यूनिकाटा। इसका खेती मुख्यतः चारे वाली फसल के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? चारे वाली फसल के लिए किया जाता है। भैया हिंदी इंग्लिश की दिक्कत नहीं है, हमने आपसे कल कहा था ना कि आप हिंदी की चार बुक खोज के लाओ आपको बहुत मुश्किल से मिलेगी, लेकिन इंग्लिश की 10 बुक आपको बड़े आसानी से मिल जाएगी। लेकिन इस लेक्चर को हिंदी के माध्यम वाले बच्चों के लिए बनाया ही गया है। अगर मैं इंग्लिश में भी सारी चीज़ें बता दूंगा तो उनके लिए भी दिक्कत होगी, क्योंकि पीपीटी जब हिंदी में है तो, और अगर आप इंग्लिश आपकी स्ट्रांग है तो आपको हिंदी समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम भी
यूपी बोर्ड से पढ़े हैं, हम भी एग्रीकल्चर से हैं जहाँ पे एग्रीकल्चर का कोई लेना देना नहीं था, ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं होती सर, बस अपने पे काम करिए, सब अच्छा हो जाएगा, हिंदी इंग्लिश का मैटर ना बनाइए, हिंदी इंग्लिश का मैटर बनाएंगे तो मैटर बनता चला जाएगा, मैटर सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, हो गया इतना। चलिए जलवायु की बात करेंगे, आपको पता ही है भाई खरीफ सीजन की फसल है तो क्या जलवायु होगी, ठीक है, मक्का गर्म जलवायु को पसंद करने वाली फसल है या ग्रीष्म तथा वर्षाकालीन फसल है, मक्के की वृद्धि के लिए उपयुक्त तापमान कितनी होनी चाहिए, 24 से 30 डिग्री तापमान अच्छा माना जाता है, फूल लगने व दाना तैयार होने के समय उपयुक्त तापमान 25 होना चाहिए, मक्के की खेती के लिए वार्षिक वर्षा कितनी होनी चाहिए, 50 से 75 सेंटीमीटर या 500 से 750 mm वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में आसानी से इसकी खेती हम कर सकते हैं। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, चलो ठीक है आगे देखते हैं, ठीक है समझ गए आप लोग। देखिए भूम अधिकतम पैदावार के लिए गहरी उपजाऊ दोमट मृदा अच्छी मानी जाती है, पीएच कितना होता है 5.5 से 8, जिस क्षेत्र में जिस क्षेत्र की मृदा का पीएच इतना होता है वहां पे मक्के की खेती आप आसानी से कर सकते हैं, ये सब चीजें आप समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं, देखिए वैरायटी की बात आती है, चलिए देखा जाता है किसमें, देसी किसमें आप जानते ही हो, देसी किस्में जो पुरानी किस्में यूज होती चली आई, जो हमारे आप घर की वैरायटी थी उसे क्या कहते हैं, देसी। संकुल किस्में किसको कहते हैं, देसी किस्मों के क्रॉस करके उसके संकरण कराकर उसका क्रॉस कराकर जो वैरायटी डेवलप की गई थी उसी को क्या कहते हैं, संकर किस्में कहते हैं, और सेम स्पीसीज के होते हैं, ठीक है। और इसको बनाने में जो आपकी संकुल स्पीसीज होती है इसको बनाने में कितना समय लगता है, 3 साल का समय लगता है, और इसकी खेती कितने साल तक की जा सकती है, 3 साल के लिए की जा सकती है, कितने साल के लिए की जा सकती है, 3 साल के लिए की जा सकती है। तो ये सब क्वेश्चन बनता है, जैसे आपसे पूछा जा सकता है संकुल किस्में बनाने में कितना समय लगता है, तो 3 साल, इसकी खेती कितनी बार कर सकते हैं, कितने साल तक कर सकते हैं, 3 साल तक कर सकते हैं, ठीक, वही सब इसमें लिखा भी होगा। और जो आपकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका क्या है, वेरायटी, ये सब जितनी भी वेरायटी लिखी, जवाहर, सोना, विक्रम, विजय, केसरी, कंजन, नवीन, लक्ष्मी, श्वेता, मेगा, प्रभात, ये सब क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट वेरायटी है, ठीक है। देखिए जो आपकी लक्ष्मी वेरायटी है लिख लो यहाँ, ये बिहार के लिए सबसे अच्छी मानी जाती, किसके लिए मानी जाती है, बिहार के लिए, बिहार का मतलब रबी सीजन के लिए सबसे अच्छी मानी जाती, किसके, रबी सीजन के लिए सबसे अच्छी वेरायटी कौन सी होती है, लक्ष्मी। जो आपका ये कंचन वैरायटी है ये कैसे होते हैं, बेलनाकार इसका आकार होता, बेलना जानते हो ना, तो वही बेलनाकार इसका आकार होता, बेलनाकार शेप की वैरायटी होती है। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है कि रबी सीजन के लिए सबसे अच्छी वैरायटी या रबी सीजन की खेती सबसे ज्यादा कहाँ की जाती है, बिहार में की जाती है, बिहार के लिए सबसे अच्छी वैरायटी कौन सी होगी, लक्ष्मी होगी, ठीक है। देखिए संकर किस्मों का काम सबसे पहले कहां किया गया था, अमेरिका में किया गया था, कब किया गया था, 1921 में, कौन किया था, किस संस्था पे किया गया था, कनेक्टिक्यूट अनुसंधान केंद्र था अमेरिका का, वहीं पे इसका काम किया गया था, ठीक है। इसको बनाने में लगभग 6 साल का समय लगता है, कितने दिन का समय लगता है, 6 साल का लगता है। संकर किस्मों का प्रयोग एक बार करके दोबारा आप नहीं कर सकते हैं, ये भी आप जानते होंगे। एक कौन सी वेरायटी है, दक्कन 103, हाई स्टार्च, गंगा सफेद 4, गंगा 11, गंगा 2, सरताज, पारस, बीएल 45, प्रकाश, त्रिशूला, कोहिनूर, राजेंद्र, एच फर्स्ट आदि वेरायटी हैं। मक्के की अन्य किस्में अंबर, पॉपकॉर्न, जो अभी मैंने ऊपर बताया था इसके लिए सबसे अच्छी वेरायटी कौन सी है, अंबर है, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और देखिए स्वीट कॉर्न जो अभी हम आप देखे थे उसके लिए सबसे अच्छी वैरायटी कौन सी है, माधुरी, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, माधुरी और प्रिया, ये सब चीजें थोड़ा आप याद किए रहना, ठीक है। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, यहाँ पे एक चीज आपको समझा दे, जैसे आप मक्के में पढ़ते हो डबल क्रॉस टेक्निक, सिंगल क्रॉस टेक्निक, ये सब चीजें आप जानते हो ना, सुना होगा या पढ़ा होगा, जरा इस पे चर्चा कर लेते हैं। डबल क्रॉस टेक्निक क्या होता है, सिंगल क्रॉस टेक्निक क्या होता है, कौन सी टेक्निक कहाँ यूज की गई थी, ठीक है। अभी यहाँ पे जैसे गेहूं में, धान में मैं आपको बताया था जीन का प्रयोग किया गया था, ऐसे मक्का में भी प्रयोग किया गया था। चलिए एक एक करके हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है।
चलो, जो आपका ICR होता है, ICAR, इंडियन काउंसिलिंग ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, तो एक प्रोजेक्ट चलाया है। कब चलाया था? 1957 में। कब चलाया था? 1957 में, जिसको क्या बोलते हैं, AICRP, ठीक है, AICRP, ठीक, इसको क्या बोलेंगे, ऑल इंडिया को ऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोडक्ट, ठीक है, को ऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट, ठीक है। इसका ये कहां पे है? पूसा न्यू दिल्ली में है, ठीक है। उसके बाद 1957 में स्टार्ट कर दिया गया था, लेकिन 1961 में जाके सफलता मिली, 1961 में जाके सफलता मिली। तो पूछा जाता है, ICR जो ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था, इसमें सबसे पहले किस क्रॉप पे रिसर्च किया गया था? उस क्रॉप का क्या नाम था? मेज था। क्या था? मेज। तो ऑल इंडिया कोऑपरेटिव रिसर्च प्रोजेक्ट में सबसे पहले किस क्रॉप पे काम किया गया था? मेज पे किया गया था, ठीक है। कब किया गया था? 1957 में स्टार्ट किया गया था, 1961 में जाके सफलता मिली थी, ठीक है। ये सब चीजें थोड़ा देखते चलो देखते हैं। तो यहां पे सबसे पहले वैरायटी एक डेवलप की गई थी, गंगा फर्स्ट। क्या की गई थी? गंगा फर्स्ट। ये वैरायटी यहां से डेवलप की गई थी और भारत का प्रोजेक्ट था, तो भारत में डेवलप की गई थी। तो अगर पूछा जाए भारत की पहली संकर प्रजाति कौन सी है, तो आप क्या कहोगे? गंगा फर्स्ट, ठीक है। अब गंगा फर्स्ट कैसे निकाली गई थी, किस टेक्निक से निकाली गई थी, जरा इस पर चर्चा करते हैं। तो एक डबल क्रॉस टेक्निक यूज किया गया था, डबल हाइब्रिड क्रॉस टेक्निक, ऐसे भी कहते हैं कहीं कहीं, डबल क्रॉस टेक्निक बोलते हैं, डबल हाइब्रिड क्रॉस टेक्निक यूज करके इस वैरायटी को निकाला गया था। डबल हाइब्रिड क्रॉस टेक्निक होती क्या? डबल मतलब दो हाइब्रिड का क्रॉस, ठीक है। जैसे मान लीजिए ए गुड़े बी का क्रॉस करके कोई एक वैरायटी निकाली गई, क्या? F1, ठीक है। और ऐसे सी गुड़े डी का प्रयोग करके, ठीक है, कोई वैरायटी निकाली गई, F2 मान लीजिए, ठीक है। अब ए भी एक वैरायटी है, ए भी एक वैरायटी है, इसका क्रॉस करके एक वैरायटी निकाल दी गई, मान लीजिए F3। बात समझे कि नहीं? F3। तो आप समझना हम क्या कह रहे हैं, दो वैरायटी का क्रॉस करके एक वैरायटी बनाई गई, फिर दो वैरायटी का क्रॉस करके एक वैरायटी बना गई, तो दोनों वैरायटी का क्रॉस करके एक तीसरी वैरायटी निकाल दी गई। इस वैरायटी को क्या कहे थे? गंगा फर्स्ट कहे थे। क्या कहे थे? गंगा फर्स्ट कहे थे। इसी को क्या कहते हैं? डबल हाइब्रिड क्रॉस टेक्निक कहते हैं। क्या कहते हैं? डबल हाइब्रिड क्रॉस टेक्निक कहते हैं। बात समझ गए कि नहीं? इसको निकालने वाले कौन थे? डीएफ जोन्स थे। कौन थे? डीएफ जोन्स थे। कौन थे? डीएफ जोन्स थे। तो ये भी आप लिख लेना। तो डबल हाइब्रिड क्रॉस टेक्निक कौन दिया था? डीएफ जोन्स ने दिया था। डीएफ जोन्स, ये टेक्निक कहां पे प्रयोग की जाती है? इंडिया में की जाती है। इसके थ्रू कौन सी वैरायटी निकाली गई थी? गंगा फर्स्ट। यही भारत की पहली संकर प्रजाति है। इतना आप समझ गए होंगे बात। चलिए ठीक है, समझ गए ना बात। और जो सिंगल क्रॉस टेक्निक थी वो कहां पे यूज की जाती है? अमेरिका में यूज की जाती है। वो कौन थे? ईस्ट एंड सुल। तो ये भी एक साइंटिस्ट हैं। ईस्ट एंड सुल किस टेक्निक का प्रयोग किए थे? सिंगल हाइब्रिड क्रॉस टेक्निक का प्रयोग किए थे, ठीक है। इतना आप लिख लिए ना, सब समझ गए आप लोग। चलिए ठीक है, ईस्ट एंड सुल कौन सा दिए थे? सिंगल क्रॉस। डीएफ जोन्स कौन दिए थे? वो डबल क्रॉस, ठीक है। भारत में कौन सा यूज किया जाता है? डबल क्रॉस। अमेरिका में कौन सा यूज किया जाता है? सिंगल क्रॉस। हो गई इतने, ये सब भैया बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाद में जैसे गेहूं में, मक्के में भी जीन यूज किया गया था डॉर्फिंग के लिए, वैसे यहां पे भी एक जीन यूज किया गया था, जिसका क्या नाम है? OPEC2। क्या है? OPEC2, या कहीं कहीं आपको FLORI2 भी मिलता। क्या? FLORI2 या OPEC2? OPEC, ठीक है, OPEC2। तो ये क्या है? एक जीन है। क्या है? जीन है। तो जीन है, इससे, इसके माध्यम से क्या किया गया था? चलिए हम बता देते हैं। जैसे आप मक्के में, सॉरी
गेहूं में और धान में पढ़े थे वो ड्वार्फिंग मतलब बौनी करने के लिए जीन का प्रयोग किया गया था। ऐसे मक्के में जो ये जीन का प्रयोग किया गया था किस लिए किया गया था, एमिनो एसिड की मात्रा बढ़ाने के लिए। जैसे लाइसिन और ट्रिप्टोफिन की कमी पाई जाती है तो इसकी मात्रा बढ़ाने के लिए, प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने के लिए हम ओपेक टू जीन प्रयोग किए थे, ठीक है। और ओपेक टू जीन के रूप में यूज किया जा रहा है, लेकिन ये क्या है, एक प्रकार का क्या है, वैरायटी है, एक प्रकार की क्या है, वैरायटी है, प्रजाति है। कहने का मतलब है जैसे वहां पे नोरिन 10 और डीजीयू क्या था, एक वैरायटी थी, लेकिन उसका प्रयोग किस रूप में करने लगे, जीन के रूप में करने लगे। वैसे ओपेक टू फ्लोरी टू क्या है, एक प्रकार की वैरायटी है, लेकिन इसका प्रयोग हम किस रूप में करने लगे, जीन के रूप में करने लगे। क्योंकि ये थे मक्के में प्रोटीन की मात्रा, लाइसिन की मात्रा और ट्रिप्टोफेन की मात्रा बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो इसके प्रयोग से कौन सी वैरायटी निकाली गई थी, प्रोटीना। पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा प्रोटीन किस मक्के की वैरायटी में पाई जाती है, किस में पाई जाती है, प्रोटीना। तो प्रोटीना वैरायटी में लाइसिन कितना पाया जाता है, 4% पाया जाता है, कितना पाया जाता है, 4%। तो पूछा जाता है कि ओपेक टू का प्रयोग करके कौन सी वैरायटी पहली निकाली गई थी, प्रोटीना। उसके बाद शक्ति आपको मिलता है, ठीक है। प्रोटीना में 4% क्या पाया जाता है, आपका लाइसिन पाया जाता है। ये भी आप समझ गए होंगे, इससे ज्यादा भैया आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। जीन से रिलेटेड और क्रास से रिलेटेड, वैरायटी से रिलेटेड, वैरायटी जो जो भी थी हम इंपॉर्टेंट सारी चीजें आपको बता दिए, ठीक है। चलिए ठीक है, ये सब चीजें हो ही गई, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं, आगे देखते हैं। देखो बुवाई का समय, रबी की बात आएगी, रबी कहां की जाती है, आपको पता ही कहां की जाती है, बिहार में की जाती है, अक्टूबर नवंबर में करेंगे। जायद समझते हो किसके लिए, मेनली भुट्टे के लिए की जाती है, और कहीं कहीं फॉडर के रूप में भी करते हैं, क्योंकि जायद सीजन में क्या होता है कि हरे चारे की कमी होती है, तो कहीं कहीं इसकी खेती भी कर देते हैं चारे के रूप में। मेनली किसके लिए करते हैं, भुट्टे, कॉब के लिए करते हैं, कॉब के लिए। देखो 10-15 रुपए के एक कॉब गर्मियों में बिकता है, लोग धड़ल्ले से खाते हैं, ठीक है। और खरीफ सीजन मुख्य फसल है, तो जून जुलाई में करेंगे, कुछ इसमें बताने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें आप समझ गए होंगे। चलो आगे देखते हैं। देखिए बीज दर की बात आएगी, बीज दर थोड़ा ध्यान देना, पूछा भी जाता है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो हाइब्रिड की बात आती है 20 से 25 केजी पर हेक्टेयर की बात आती है, किसकी बात आती है, 20 से 25 केजी पर हेक्टेयर। और संकुल जो कंपोजिट होता है वो कितना होता है, 18 से 20 होता है। जायत का कितना होता है, 20 से 25 यहां लिखा है, तो 25 से 30 भी अगर ऑप्शन में कहीं मिले, अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो 25 से 30 भी सही कर सकते हो, गलत नहीं होगा, ठीक है। और जब आप चारे के रूप में इसका प्रयोग करोगे तो वहां पे, ठीक है, 40 से 45 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से हम प्रयोग करेंगे, किस लिए, चारे के पर्पज के लिए, ठीक है। और कोई दिक्कत, चारे की हार्वेस्टिंग कब करते हैं, जब उसमें फ्लावरिंग स्टार्ट होती है, जब सिल्किंग स्टार्ट होती है, उस समय हम इसकी हार्वेस्टिंग करते हैं। इतना आप समझ गए होंगे, इसका सीड रेट, बीज दर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, बीज उपचार करते हैं बोने से पहले, सीड ट्रीटमेंट करते हैं, किससे करेंगे, थायराम या बीटा वैक्स से करेंगे। कितना मात्रा लगेगी, 1.5 से 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब के उपचारित करके हम बोते हैं। और उपयुक्त दूरी काफी पूछा जाता है, ठीक है, उपयुक्त दूरी काफी पूछा जाता है, 60x25 सेंटीमीटर में सिंचित दशा में, ठीक है, और आप 45x20 सेंटीमीटर असिंचित दशा। असिंचित दशा समझते ही होंगे, किसको कहते हैं, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर को कहते हैं, वरानी कल्टीवेशन को कहते हैं, जहां पे बारिश के बेस पे ही खेती होगी, बारिश होगी तो खेती होगी, नहीं होगी तो नहीं होगी, ठीक है, वहां पे सिंचाई की सुविधा नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, क्या बनता है, और जैसे जब आप खेत में सीड को फैलाओगे, वो दोगे, उसके बाद जर्मिनेट करेगा, कुछ प्लांट ऐसे बनेंगे, बनेंगे कि नहीं, तो एक क्वेश्चन बनता है, पर हेक्टेयर प्लांटों की संख्या क्या होगी, ठीक है। जैसे मक्के का पौधा है, ठीक है, मक्के के एक हेक्टेयर में प्लांटों की संख्या क्या होगी, इसका फार्मूला होता है एरिया अपान डिस्टेंस। क्या होता है, एरिया अपान डिस्टेंस, एरिया अपान डिस्टेंस के हिसाब से
आप कोई भी क्रॉप है अगर उसका एरिया पता है, उसका डिस्टेंस पता है, तो आप आराम से प्लांटों की संख्या निकाल सकते हैं। जैसे एरिया क्या होता है, आप एक हेक्टेयर लोगे, एक हेक्टेयर में कितने मीटर स्क्वायर होते हैं, 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं, कितने होते हैं 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं। डिस्टेंस क्या है, 60x25 सेंटीमीटर, कितना है 60x25 सेंटीमीटर, तो 60x25 सेंटीमीटर है, ऊपर क्या है मीटर है, तो आप इसको बराबर करने के लिए 100 से क्या करोगे, भाग दो दोगे। जैसे 60 है, यहां 100 भागे 100 कर दो, यहां 25 है, इसको भी बटे 100 कर दो, और जब बटे 100 किए हो तो 10,000 गुड़े 100 गुड़े 100 बटे 60 गुड़े 25, यही तो आएगा, क्योंकि कहीं भी अगर लिखा गया है 1/2/3 तो ये क्या हो जाता, 3/2 होता है कि नहीं, इतना तो आप जानते ही होंगे। तो वही अगर 3 में है तो नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाता है, तो 10,000 × 100 × 100 × 100 × 25 आप कर दोगे, इसका गुणा भाग करोगे, जितना भी आएगा वो क्या होगा, प्लांटों की संख्या होगी। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लांटों की संख्या कितनी होगी, तो यहाँ लगभग 60 से 65 हज़ार आता है, ठीक है, तो आप गुणा भाग करके निकाल लोगे तो सारी चीजें आपको पता चल जाएगी, तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। फार्मूला मत भूलना, क्या, एरिया अपॉन डिस्टेंस, एरिया किसमें रहता है, मीटर स्क्वायर में, अगर सेंटीमीटर दिया है तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर लोगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, बुआई की विधियों की बात होती है, आप जानते ही हो बुआई की मुख्यतः इसकी 3 विधियां प्रयोग की जाती है, पहला क्या होता है ब्रॉडकास्टिंग, दूसरा क्या होता है लाइन सोइंग, तीसरा क्या होता है डिबलर, ठीक है। कतार मतलब जानते ही होंगे, कतार में 2 आती हैं, एक केरा आता है एक पोरा आता है, पोरा केरा आप जानते ही होंगे, आपका लाइन बनती जा रही है देसी हल से और उसके पीछे अपने हाथ से बीज को गिराते हुए जा रहे हो, इसको क्या कहेंगे, केरा कहेंगे। अगर पोरा क्या होता है, जब लाइन देसी हल बनाता हो उसके पीछे पाइप के माध्यम से एकदम गहराई तक सीट जब पहुंचाया जाता है उसको क्या कहते हैं, पोरा कहते हैं। पोरा विध कहाँ यूज की जाती है, जहां पे नमी की कमी होती, मॉइस्चर की कमी होती है। केरा विध कहाँ यूज किया जाता है, जहां पे मॉइस्चर की अधिकता होती है। और डिबलर आप जानते हो सबसे कास्टली विध यही है, ठीक है, कौन प्रयोग करता है, हमारे साइंटिस्ट लोग, रिसर्चर लोग, वैज्ञानिक लोग इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है, सबसे महंगी विध यही होती है। बीज बोने की गहराई क्या होती है, 3 से 5 सेंटीमीटर होती है, इतनी गहराई पर बीज को आप आराम से बो सकते हैं। चलिए थिनिंग क्या होता है, विरलीकरण, आप देखते हो कि मक्के की सुइंग कैसे करते हैं, नॉर्मली आप ब्रॉडकास्टिंग करते हैं तो डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए, जानते हो उपयुक्त दूरी लाइन टू लाइन और प्लांट टू प्लांट, पंक्ति से पंक्ति की दूरी और पौध से पौध की दूरी को मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, थिनिंग करते हैं। बुवाई के कितने दिन बाद करते हैं, 15 से 20 दिन बाद करते हैं, कितने दिन बाद करते हैं 15 से 20, उस समय प्लांट की हाइट क्या होती है, 15 से 20 ही सेंटीमीटर होती है। तो अगर 60x25 सेंटीमीटर के रेशियो के हिसाब से आपको दूरी रखनी है, अगर इसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा प्लांट होगा खेत से निकालना क्या कहलाता है, थिनिंग कहलाता है, विरलीकरण कहलाता है, ठीक है। वही यहाँ पे लिखा भी है, अंकुरण के 15 से 20 दिन बाद 15 से 20 सेंटीमीटर हाइट पर अनावश्यक घने पौधों को छाटना जिससे उचित फालसा स्थापित कर सके, इसी को क्या कहेंगे, थिनिंग कहेंगे। चलिए देखते हैं, एक हेक्टेयर मक्के की उपज लेने के लिए, मक्के की फसल हमारी भूमि से लगभग 125 किलोग्राम क्या लेता है, नाइट्रोजन लेता है, क्या लेता है, नाइट्रोजन लेता है, और 60 किलोग्राम क्या लेता है, फास्फोरस लेता है, और 75 किलोग्राम क्या लेता है, पोटास लेता है। तो ये भी एक हेक्टेयर उत्पादन के लिए, ठीक है। अब उस उत्पादन के लिए हम कितना देते हैं देखा जाए, संकर प्रजाति में कितना देते हैं, 120, 60 और 40, और देसी प्रजाति जो होती है संकुल कंपोजिट होती है उसका कितना देते हैं, 80, 40, 30, इस रेशियो से हम एनपीके देते हैं, क्या देते हैं, एनपीके देते हैं। और कब देते हैं, नाइट्रोजन की आधी मात्रा और फास्फोरस पोटास की पूरी मात्रा बुवाई के समय देंगे, और जो बची हुई नाइट्रोजन की शेष मात्रा है वो कब देंगे, घुटने की अवस्था पे देंगे, की स्टेज पे देंगे। तो ये सब क्वेश्चन बनता है, ठीक है, ये सब चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको जो भी इंपॉर्टेंट है मैं बताता जा रहा हूं उसको आप ध्यान से सुनिएगा, बिल्लुलीकरण क्वेश्चन बनता है, ठीक है।
चलिए आगे देखते हैं, जल प्रबंध की बात आएगी। मैंने बताया था मक्के का पौधा अपने जीवन काल में कितना पौधा लेता, कितना पानी लेता है, 50 से 75 सेंटीमीटर, लगभग 500 से 750 mm पानी लेता है। ठीक है, खरपतवार की बात करेंगे, मोस्टली किस सीजन की क्रॉप है, खरीफ सीजन की क्रॉप है, तो मक्के में खरपतवार से मक्के की उपज में 50 से 60% तक की कमी आती है, उसके उत्पादन में। फसल और खरपतवार में बुवाई के 30 से 45 दिन तक आपस में क्या होती है, प्रतियोगिता होती है, क्या होती है, कंपटीशन होता है। खरपतवार नियंत्रण के लिए बहुत अच्छा हर्बिसाइड है एट्राजीन और सीमाजीन, 1 से 1.2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 1000 लीटर पानी में मिलाकर बुवाई के तुरंत बाद छिड़काव कर देते हैं। बुवाई के तुरंत बाद, मैंने आपको बताया था एक टर्म आता है प्री प्लांटिंग, एक आता है प्री इमर्जेंस, एक आता है पोस्ट इमर्जेंस। प्री प्लांटिंग क्या होता है, बुवाई के पहले, प्री इमर्जेंस क्या होता है, बुवाई के बाद और जमाव के पहले, और पोस्ट इमर्जेंस क्या होता है, जमाव के बाद। ठीक है, इतना चीजें आप याद रखना। तो आपका एट्राजिन सीमाजिन कैसा है, ये प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड है। ठीक है, चलो, लासो या एलाक्लोर 5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 1000 लीटर पानी में मिलाकर बुवाई के 30 से 35 दिन बाद हम क्या करते हैं, छिड़काव कर देते हैं। एक ऐसा हर्बिसाइड हुआ पोस्ट इमर्जेंस। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कीट नियंत्रण। ठीक है, कीट, पहला कीट कौन है, सूट बोरर तना छेदक, जिसका जूलॉजिकल नेम क्या है, चिलो पार्टिलस है, क्या है, पार्टिलस। फसल की सर्वाधिक हानि इसी कीट से होती है, इसका प्रकोप बुवाई से 30 से 35 दिन बाद दिखाई देने लगता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके कीट उट नहीं है, कहीं नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, फौजी कीट जिसको आर्मी इंसेक्ट कहते हैं, मैंने गेहूं में आपको अच्छे से बताया था, आर्मी लोग छुप के आक्रमण करते हैं। ठीक है, तो और इसी वजह से ये रात में आक्रमण करता है, इसको कोई देख नहीं पाता है, काले कलर की होती है। ठीक है, और इसका साइंटिफिक नेम मैंने आपको बताया था, माइथिमना यूजिपकेटा या माइथिमना सेपराटा, क्या, माइथिमना सेपराटा या यूजिपकेटा, ये चीजें वहां पर मैं बता दी थी। माहू आपका एफिड होता है, भुट्टो की इल्लियां उपचार, थायोडान 1.5 लीटर या कार्बोरिल 2 किलोग्राम 1000 लीटर पानी में मिलाकर 15 दिन के अंतराल पर हम क्या करेंगे, इसका छिड़काव कर देंगे। ठीक है, देखिए बीमारी की बात अब कर लो, बीज सड़न या पौध का झुलसा रोग, सीड रॉट एंड सीडलिंग ब्लाइट, इस रोग में बीज सड़ जाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए 3 ग्राम आप कोई आप फंगिसाइड दवा लोगे, जैसे कार्बोरिल होता है, उससे बीज को उपचारित करके हम बोते हैं, या थायराम से उपचारित करके बोते हैं। डाउनी मिल्डू आपका होता है, ये भी क्या होता है, कवक जनित बीमारी होती है, इससे क्या होता है, क्लोरोफिल पत्तियों का लाश हो जाता है, जो क्लोरोफिल होती है, क्लोरोफिल अगर ये लाश हो जाएगा तो उससे क्या होता है, उससे पौधा फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा तो वृद्धि विकास नहीं कर पाएगा, धीरे धीरे पौधा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इसके रोकथाम के लिए क्या करेंगे, खड़ी फसल में 2 से 3 बार डाइथेम M45 का छिड़काव कर देंगे, जिंक सल्फेट के। ठीक है, इसका मिश्रण बनाकर हम क्या करेंगे, छिड़काव कर देंगे। चलिए, कटाई एवं गहाई, कटाई मतलब समझते हो, गहाई मतलब समझते हो। ठीक है, चलिए एक एक देखते हैं। फसल की कटाई बुवाई के 90 से 110 दिन में कर लेनी चाहिए, बुवाई के 30 से 50 दिन बाद फूल आने लगते हैं और 60 से 70 दिन बाद हरे भुट्टे को खाने में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ये जो है आपका 90 से 110 दिन, जब आपका दाना मैच्योर हो जाता है, उस टाइम जब आप सीड के पर्पज पे खेती कर रहे हो, तब की हार्वेस्टिंग टाइम है। ठीक है, फ्लावरिंग की टाइम क्या है, बुवाई के 30 से 50 दिन, मैंने आपको अभी इससे पहले बताया था, 2 महीने के आसपास फ्लावरिंग होती है, उसी समय हम चारे पर्पज के लिए जब खेती करते हैं तब इसकी हार्वेस्टिंग करते हैं। और भुट्टे की बात आती है, तो भुट्टा भाई फ्लावरिंग के बाद ही भुट्टा लगता है, तो भुट्टे लगने की अवस्था क्या है, 60 से 70 दिन है। ठीक है, ये सब चीजें आप समझ गए होंगे। निषेचन के 45 दिन बाद परिपक्वता आ जाती है, दानों में 20 से 25% नमी होने पर इसकी कटाई कर लेते हैं। ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा चीजें नहीं है, बस आपको यही याद रखना है कि भुट्टे कब लगते हैं, बुवाई के लगभग 60 से 70 दिन बाद, और दाना कब मैच्योर होता है, परागण के लगभग 45 दिन बाद होता है। ठीक है,
चलिए उपज एवं भंडारण की बात करेंगे। सिंचित दशा में संकर मक्का लगभग 50 से 60 क्विंटल उत्पादन होता है, संकुल का 40 से 45 होता है, 40 से 50, और हरा चारा लगभग 300 से 400 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से होता है। ठीक है, ये सब चीजें आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे देखा जाए। जब पौधे के ऊपरी भाग, देखिए बेबी कॉर्न आ गया, क्या बेबी कॉर्न, बेबी कॉर्न का प्रयोग जानते हो कहाँ करते हैं, बेबी कॉर्न का प्रयोग सैलेट वैलेट में करते हैं, आप पास्ता वास्ता बनाते हो वहां करते हो। ठीक है, मार्केट में देखो, सब्जी की दुकान पे आप जाते हो तो पॉलीथीन में लपेट के छोटे छोटे भुट्टे रखे रहते हैं, वो क्या होते हैं, वो अनडेवलप्ड सीड होते हैं, मतलब आपको दिख रहा है बेबी कॉर्न, देखिए लाइन तो एकदम क्लियर दिखती है, ये लाइन क्लियर दिखती है, लेकिन इस पे जो मक्के के सीड होते हैं वो पूरे डेवलप्ड नहीं होते हैं, पूरे डेवलप्ड नहीं होते हैं, इमैच्योर होते हैं, उसी अवस्था पर हम इसकी हार्वेस्टिंग करते हैं। और देखिए जो आप पढ़ते हो ना डिटेसलिंग, क्या पढ़ते हो डिटेसलिंग, ये पढ़ते हो नहीं, डिटेसलिंग क्यों करते हैं, बेबी कॉर्न बनाने के ही लिए करते हैं, आप पढ़ते हो ना टेसल को रिमूव करना क्या कहलाता है डिटेसलिंग, तो इसमें परागण अच्छे से नहीं हो पाता है, किसमें बेबी कॉर्न में परागण अच्छे से ना होने का कारण क्या है, हम उसके टेसल को रिमूव कर दिए, जब भाई नर पार्ट रहेगा ही नहीं, नर भाग रहेगा नहीं तो परागण कहां से होगा, तो इसी वजह से वो मैच्योर वो पूरा डेवलप्ड नहीं हो पाता है, जब पूरा डेवलप्ड नहीं हो पाता है तो हम उसका प्रयोग किस रूप में करते हैं, बेबी कॉर्न के रूप में करते हैं, जो कि हमारे लिए लाभदायक भी होता है। ठीक है, देखिए जब पौधे के ऊपरी भाग पर भुट्टा निकलने के 2 से 3 दिन बाद सिल्क निकल आते हैं तो इस व्यवस्था को बेबी कॉर्न कहते हैं। बेबी कॉर्न कैल्शियम, लोहा और विटामिनों का अच्छा स्रोत है, अधिकांश सब्जियों में फास्फोरस की मात्रा लगभग 21 से 57 ग्राम पर 100 ग्राम पाया जाता है, पर बेबी कॉर्न में 86 मिलीग्राम पाया जाता है। बेबी कॉर्न की खेती विश्व में सबसे पहले थाईलैंड में शुरू हुई थी। ठीक है, थाईलैंड में शुरू हुई थी। चलिए देखते हैं उपयुक्त किस्में क्या है, BL42 इसकी क्या है उपयुक्त किस्म है, हिम है, गोल्डन बेबी है और मृदुला, गोल्डन बेबी और मृदुला इसकी प्रमुख वैरायटी है, इसको आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। और बेबी कॉर्न की खेती अगर करना है उस समय आपको बुआई करना है तो कब करेंगे, फरवरी से सितंबर तक इसकी बुआई कर सकते हैं। उपयुक्त दूरी क्या होती है, 45 से 20 सेंटीमीटर होती है। सिंचाई वहां पे कितना लगा था, 50 से 75 लगा था, यहाँ पे कितना लग रहा है, 40 से 45। देखिए इसका ड्यूरेशन आपने कम कर दिया ना, क्योंकि फ्लावरिंग के बाद भी 45 दिन लगता है मक्के को मैच्योर होने में, तो 45 दिन की पानी उससे पहले 45 दिन पहले इसकी हार्वेस्टिंग आप कर ले रहे हो तो 45 दिन में कुछ ना कुछ पानी तो कम होगा ही, तो इसी वजह से इसकी खेती करने के लिए लगभग 40 से 45 सेंटीमीटर पानी की आवश्यकता होती है। कटाई और उपज की बात करेंगे, बुआई के 45 से 50 दिन बाद इसकी कटाई करेंगे, औसतन उपज कितना होता है, 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होता है। आदर्श बेबी कॉर्न किसे कहते हैं, आदर्श बेबी कॉर्न का रंग पीला तथा आकार छोटा होना चाहिए, बीज अविकसित होते हैं तथा पंक्तियों पर क्रमबद्ध होते हैं और रेशा रहित होते हैं, रेशा आप जानते हो ना सिल्क जिसको कहते हैं, तो ये सब चीजें हैं, आपको बस यही याद रखना है बेबी कॉर्न, बेबी कॉर्न में सबसे अच्छा टॉपिक क्या है, कितने दिन बाद इसकी हार्वेस्टिंग करते हैं, बुवाई के लगभग 45 से 50 दिन के बीच में कर लेते हैं, इसी वजह से इसमें डिटेसलिंग करते हैं कि जैसे पॉलिनेशन अच्छे से ना हो पाए, तो जब अच्छे से होगा नहीं तो इसका डेवलपमेंट भी अच्छे से नहीं होगा, जब डेवलपमेंट नहीं होगा तो इसके सीड नहीं आ पाएंगे, तो उसी को हम किसके रूप में प्रयोग करते हैं, बेबी कॉर्न के रूप में करते हैं। ठीक है, और इतना ये सब चीजें आप समझ गए होंगे, आज के लिए बस इतना ही, हमारा मेज यहीं समाप्त होता है, और अब आपके अगर कोई डाउट हैं आप पूछ सकते हो, चर्चा कर सकते हो। ठीक है, चलिए अपने अपने क्वेश्चन डाउट कर लें। सर अगर कोई डाउट हो तो आप लोग बताइए, जो समझाने लायक चीज थी मैं पहले सब समझा दिया हूँ, बाकी ये सब कहानी था, कहानी तो पढ़ना ही पड़ता है, आप रट्टा मार सकते हो पढ़ के, हाँ इम्पोर्टेंट है ऐसा नहीं है, लेकिन उसमें कुछ समझाने वाली चीज़ नहीं है।
अरे सर आयल परसेंटेज मैं तो बताया था 4% होता है सर, ये क्या है उसके सीड में अगर उसके इम्ब्रियो की बात करोगे 30-40% होता है। क्या होता है 30-40% होता है। और सर किसी को कोई दिक्कत? और कोई दिक्कत सर हो तो बताइए, आप लोग जो चीज ना समझ पाए हो अभी तक, क्वेश्चन पूछ लो सर। इंग्लिश की बात जो आप कर रहे हैं, इंग्लिश नोट मिल जाए, इंग्लिश में ही सर हमें मजा आएगा पढ़ाने में, लेकिन ये है कि हिंदी की क्लास लगाई गई है सर, उसकी दिक्कत नहीं। जिस दिन आपको इंग्लिश की क्लास हम देंगे तो आपको इंग्लिश में ही बताएंगे, तब आपको ये नहीं लगे, तब आप कहोगे सर ठीक है, इस वजह से कोई दिक्कत नहीं सर। किसी को कोई दिक्कत नहीं? सर मक्के की पहली हाइब्रिड किस्म है, ठीक है, गंगा फर्स्ट, राइट क्लास मैम अभी तो नहीं बताया जा सकता कब है, वैसे डेली 6 बजे से रहती है, लेकिन आज कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से क्लास पहले कर ली गई है, शाम को कुछ दिक्कत आ सकती है। सर इंडिया में डबल क्लास टेक्निक यूज करते हैं, सिंगल अमेरिका में करते हैं। प्रोट्रेंडरिंग मतलब ये होता है सर कि जब हमारा मेल पार्ट पहले निकले या पहले मैच्योर हो, इस कंडीशन को क्या कहेंगे, प्रोट्रेंडरी। जहां पे फीमेल पार्ट पहले निकलता पहले मैच्योर होता उसको क्या कहेंगे, प्रोटोगाइनी। मेज में डी टेस्लिंग मुख्यतः अगर आप बेबी कॉर्न के लिए खेती कर रहे हो तो कब करोगे आप, वही पॉलिनेशन जब स्टार्ट होता है उसी के बीच में कर देते हैं, पॉलिनेशन कंप्लीट नहीं हो पाता है उस तब तक हम कर देते हैं। अगर कंप्लीट हो जाएगा तो उसके सीड डेवलप्ड हो जाएंगे, तब बेबी कॉर्न के रूप में इसका प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं। तो कहने का मतलब जब पॉलिनेशन स्टार्ट हो उसी के बीच में हम कर लेते हैं डी टेस्लिंग। प्रोट्रेंडरी सर बताया तो जब मेल पार्ट पहले निकले या पहले मैच्योर हो, ठीक है, इसी को कहेंगे। ठीक है सर, आपके डाउट लमसम हो चुके हैं, ठीक है, मिलता हूं कल नेक्स्ट टाइम। जय हिंद, जय भारत।